तो नमस्कार दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन जिसमें HCF का तो है पर आपको मज़ा आएगा करने में। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, थ्री सेट्स हैं, थ्री सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स आर कंटेनिंग इतना इतना बुक्स, इतने इतने बुक्स है ठीक है, और वो हमको रेक में रखने, सैक्स टैक्स जो भी होता है, रेक होता है ना, रेक ही बोलते हैं उसको, जो दुकान में होता है समझो वैसा रेक, तो उस पर रखना है हम लोग को इन अ सच वे, ऐसे वे में रखना है कि जो उनका हाइट है ना वो नहीं, यानी कि अगर मान लो कि ये रेक है एक, तो जो हाइट है ना बुक्स का सबका सेम होना चाहिए, एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए सब सारे बुक्स का, चाहे सेट अलग अलग हो, चाहे मान लो इतना सारा बुक इंग्लिश का ही हो जाए, बस दो ही सेट मैथ कर रहे, पर हाइट जो है बुक्स का पूरा रैक में बराबर रहना चाहिए, हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हम करेंगे कैसे, आखिर HCF होता क्या है वही समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, आखिर HCF का यूज क्या होता है, आखिर HCF मतलब क्या होता है ठीक है। तो देखिए आप, अगर आप रेक में बुक रख रहे हो ठीक है, और सबसे मिनिमम आपको ये जो लाइंस हैं, यानी कि ये जो बुक्स हैं ये वाले, इसको नंबर्स हैं जो, इनको कम रखना है और हाइट भी बराबर रखना है, इनको भी कम रखना है और हाइट भी, वैसे तो आप एक एक को बिछा दोगे तो हाइट बराबर रहेगा। और हाँ, इस क्वेश्चन में एज्यूम करने के चलना है कि साइंस मैथ और जो भी इंग्लिश का बुक है उसका हाइट सेम है ठीक है, हर एक बुक का हाइट सेम है, तो आप एक एक करके फैला दोगे तो हाइट तो सेम रहेगा लेकिन बहुत सारे बुक हो जाएंगे। आपको मैक्सिमम ऐसे बुक निकालना है, यानी कि एक हाइएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड दे, एक ऐसा हाइएस्ट नंबर जो 336, 240 और 96 को डिवाइड दे, सबसे हाइएस्ट नंबर, तो अगर वो नंबर डिवाइड देगा यानी कि उस नंबर के सेट्स बन जाएंगे, उतना उस नंबर्स के बहुत सारे सेट्स बन जाएंगे, उस नंबर के मिनिमम सेट बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 336, 240 एंड 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप लोग निकालो इसको। तो इसमें भी हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या 96 सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर, क्या इनसे छोटा ही नंबर होगा, तो सबसे छोटा इसमें तो 96 है, क्या 96 से ये डिवाइड होगा। अच्छा 96 किस किस चीज़ से डिवाइड होता है, अब देखो तो ये 98 से डिवाइड होता है, इसके बाद तो 98 ही से डिवाइड होगा, तो क्या 98 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 90 से, हाँ ये भी हो जाएगा, 98 से ये भी डिवाइड होगा, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएगा, सॉरी 98 बोल रहे हैं, 48, 48 सॉरी, 48 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि सेकंड नंबर जो इसको डिवाइड करेगा इससे छोटा वो 48 होगा, यानी 48 से ये भी डिवाइड होगा और 48 से ये भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो यानी कि इसके जो सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे बताइए, इसके तो दो सेट, यानी कि 48 48 के दो सेट बनेंगे, यहाँ पे हम दो सेट रख लिए, हाइट सेम होगा, वैसे ही इसके कुछ सेट बनेंगे और इसके भी कुछ सेट बनेंगे लेकिन हाइट सबका सेम होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप सारे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो इजीली। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे वो कितना हो जाएंगे, ये तो वो आई थिंक ये 5 बार में जाएगा ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा है, ये जाएगा 48 होता है, 6 7 8, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा देखो 7 × 8 = 6 होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है, यानी कि 7 बार में ही जाएगा, तो डेफिनेटली खत्म हो गया, ये जाएगा ही। तो आप देखो ये कितने स्टैक्स होंगे, इसमें सात सात बुक रखेंगे हम लोग, सात बुक सात सेट्स बनेंगे, यानी एक सेट दो सेट, यानी सॉरी सॉरी सात सेट नहीं बनेंगे, यानी कि 48 48 के सात सेट बनेंगे ठीक है, यानी कि हर एक सेट में 48 बुक होगा और ऐसे ऐसे सात सेट, तो इतना बन गया, हर एक सेट में 48 बुक होगा, ऐसे ऐसे पाँच सेट बनेंगे और हर एक सेट में 48 बुक होगा, ऐसे ऐसे इतने सेट, यानी कि टोटल सेट स्टैक्स कितने होंगे, 7 2 9 एंड 14 ठीक है। तो मज़ा आया होगा आपको, चलिए वीडियो को आप लाइक कीजिए फटाक से एकदम, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, बहुत बहुत धन्यवाद।